अक्सर ऐसे शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि जो कागजों में सुनवाई की जाती है वो केवल कागजों में ही सीमित रहती है, ना कि जमीनी स्तर पर उसको लागू किया जाता है। आप लोगों को बता दूं कि लोकसभा चुनाव हैं और चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जारी किए गए हैं कुछ निर्देश। किसी को भी लूला लंगड़ा काना कहा तो हो सकती है 5 साल की सज़ा। यह हाई कोर्ट ने इसका निर्देश दिया गया है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लाभार्थी थे जो इसका लाभ नहीं ले पाते। मान लीजिएगा अगर आप किसी तरीके से फिजिकल हैं, आप लोगों से लोग गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, अगर आप इसके ऊपर कोई एक्शन लिया लेते हैं तो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है और आपको बहुत सारा समय लगता है। ऐसे में हाई कोर्ट ने निर्देश दिया गया है और इसमें आयोग ने भी चुनाव आयोग ने भी निर्देश दिया गया है कि अगर लोकसभा चुनाव में कुछ महीने का समय बचा है, सभी राजनीतिक पार्टियों चुनाव के लिए राजनीतिक तैयार करने में जुटी है। इस बैक चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। हाल ही में दिनों में राजनीतिक चर्चा में विकलांग लोगों के बारे में अपजनक दो भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इसे देखते हुए अब आगमन किया गया है कि किसी भी राजनीतिक दल के सदस्यों या उनके उम्मीदवार द्वारा तरह की बात नहीं की जाए, हाँ और वरना इसे दिव्यांग का अपमान समझा जाएगा। आयोग ने बताया है कि किसी तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसमें गुंगा, पागल, सरफरा, अंधा, काना, बहरा और लंगड़ा, लूला और अपाहिज जैसे शब्द इस तरह की अपजनक भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। राजनीतिक चर्चा या चुनावी अधिनियम में दिव्यांगों को न्याय और सम्मान दिया जाना चाहिए। दिव्यांगों के प्रति अपजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 92 के तहत कार्रवाई हो सकती है और इसमें आपको 5 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसे काफ़ी बार लोगों ने प्रयास किया और आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे लाभार्थी जो आज भी दिव्यांगों से गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप दोस्तों आपसे कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल करे, आपसे कोई गलत तरीके से व्यवहार करे, तो आप लोग जल्द ही अपने निकटतम जो भी आपकी थाना होगा या आपके यहाँ आसपास में जो चौकी होगी पुलिस चौकी, वहाँ पे इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये अगर आपके पास नहीं है इमेज तो आप मेरे को व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको इमेज स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूँगा, या आप लोग इस वीडियो के माध्यम से भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आपको लगी कैसी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। दूसरा बड़ा अपडेट बताता हूँ दोस्तों आपको, यहाँ पे आपकी जो अप्रैल मई और जो आपकी जून की पेंशन है उसको लेकर मैं आपको यहाँ थोड़ा बता दूँ कि आपकी 20 जून से लेकर 30 जून तक आपकी जो पेंशन है वो आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। हो सकता है आपको यहाँ पे 4500 रुपये के हिसाब से यहाँ पे आपकी पेंशन की राशि ट्रांसफ़र की जाए, वरना आपके 3000 रुपये तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हैं और आपके 3000 रुपये की राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।